नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार के ऊपर जब FIR हुआ और उसके ऊपर मैंने वीडियो किया, तो तमाम लोग जो लोग लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश में बता रहे थे, वो लोग आके कमेंट बॉक्स में मेरी बहुत तारीफ किए, मेरे उज्जवल भविष्य की कामना किए और उसके साथ साथ यहां तक कह डाले कि इस देश को आप जैसे पत्रकारों की जरूरत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार के ऊपर जब FIR हुआ और उसके ऊपर उसकी गिरफ्तारी की गई, उस पर सवाल खड़ा किया। आज भी मैं वही करूंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में बिहार के एक पत्रकार के बारे में बात करूंगा और वही लोग आज हमको कमेंट बॉक्स में आके पानी पी पी के गरियाएंगे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे लिए जरूरी है लोकतंत्र, और बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, पत्रकारों के ऊपर जब अत्याचार होगा तो दूसरे पत्रकार को बोलना पड़ेगा। लेकिन यहां पे सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीजें देखने को मिल रही है। कुछ टुच्चे पत्रकार चंद व्यूज के लिए मनीष कश्यप को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कभी RSS में रहा करते थे, कभी वो RSS के सदस्य थे। मैं लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप को आज गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मनीष कश्यप खुद बेतिया के थाने पे जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके घर पे कुर्की का आदेश तक हो गया था। शायद आतंकवादी होंगे, शायद कई लोगों का लूटपाट किए होंगे, शायद कई लोगों का हत्या किए होंगे, बहुत सारे संगीन अपराध किए होंगे। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर मनीष कश्यप अपराधी है तो आज तक बिहार पुलिस क्या कर रही थी, जब सरेआम मनीष कश्यप माइक लेके बिहार के एक एक गली, एक एक कोने, एक एक सड़कों पर जाके शासन सत्ता से सवाल कर रहे थे, नीतीश कुमार से सवाल कर रहे थे, तब बिहार की पुलिस कहां थी? सोई हुई थी का? या फिर राजा बदल गया तो राजा के आते ही नया फरमान जारी हो गया? जनता मूर्ख है, जनता को अब जब चाहेंगे तब डाइवर्ट कर लेंगे, और जनता मूर्ख है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जनता को सिर्फ अपने जाति वाले, अपने टाइटल वाले नेताओं से मतलब है। अगर फला का टाइटल फला है और मेरा भी टाइटल फला है, तो फला चाहे कुछ भी करे, फला जिंदाबाद। अगर फला का टाइटल उसके विरोधी वाले पार्टी का है तो फला मुर्दाबाद। यही है हमारे देश के जनता की, ज्यादातर जनता की, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जनता की मानसिकता। आप किसी नेता को आइडियल बना लेंगे, लेकिन जो पत्रकार आपके हक और आपके अधिकार के लिए लड़ता है वो आपका आइडियल कभी नहीं बन पाता है। आइडियल बनना भी नहीं है, लेकिन कम से कम समर्थन तो करना चाहिए था। लेकिन हम मनीष कश्यप का विरोध सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि मनीष कश्यप कभी RSS में था। हम मनीष कश्यप का विरोध सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि मनीष कश्यप जो है उल्टा सीधा। हाँ, मैं एक चीज और यहां पे जोड़ना चाहता हूं, मैं मनीष कश्यप के मुंह से जो गालियां चाहे आप सब निकलते हैं, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। लेकिन इस मामले में सिर्फ मनीष कश्यप इकलौते नहीं है, अगर कार्रवाई हो रही तो सबके ऊपर होनी चाहिए। बहुत सारे टुच्चे पत्रकार ऐसे हैं जो आज मनीष कश्यप को सिर्फ इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि उनको पता कि अगर मनीष कश्यप को गरियाऊंगा तो मनीष कश्यप की विपरीत विचारधारा वाली ऑडियंस तुरंत मुझसे जुड़ जाएगी। पत्रकार की कोई विचारधारा नहीं होनी चाहिए। हम योगी जी से भी सवाल करते हैं, हम अखिलेश यादव जी से भी सवाल करते हैं, हम नीतीश कुमार से भी सवाल करते हैं, हम भाजपा से भी सवाल करते हैं, हम कांग्रेस से भी सवाल करते हैं। पत्रकारिता का असली मतलब यही है। लेकिन धन्य है वो तमाम पत्रकार जो लोग आज मनीष कश्यप को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप कभी RSS में हुआ करते थे। अगर RSS इतनी ही बुरी थी तो कांग्रेस के समय में उसको बैन करवा देना चाहिए था। कोई मदरसे में जाके पढ़े तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई RSS में जाके संघ की शाखा ज्वाइन कर ले तो बहुत आपत्ति है। ये कैसे डिसाइड होगा? भाजपा वाले कहें कि मुस्लिम कम्युनिटी नफरत फैलाती है, मुस्लिम कम्युनिटी कहे भाजपा वाले RSS वाले नफरत फैलाते हैं, तो आम जनता जिनको रोजी रोटी से मतलब है, जिनको अपने मूल अधिकारों से मतलब है, वो लोग कहां जाएंगे? और कमेंट करने से पहले, मुझे गरियाने से पहले एक बार मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है आप लोगों की औकात, आप लोग यानी कि वो तमाम लोग जो लोग एक तरफ गुणगान करते हैं और जैसे ही उनकी विपरीत विचारधारा में कोई गया, यानी कि हम उनकी विचारधारा का ठेका लेके बैठ जाएं, तो हम अच्छे पत्रकार हैं, वरना हम बुरे पत्रकार हैं। और इकलौता उनका विचारधारा दुनिया में सबसे बढ़िया है, बाकी किसी का विचारधारा अच्छा है ही नहीं। हमारा धर्म धर्म है, दूसरे का धर्म
धर्म नहीं है। कब तक चलेगा ये? और आपके इन आदतों का फायदा सबसे ज्यादा जानते हैं कौन उठाता है? यही नेता लोग। आज लोकतंत्र, आप यकीन मानिए कि लोकतंत्र बहुत ज्यादा खतरे में है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले आज बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके विपरीत विचारधारा वाला पत्रकार आज गिरफ्तार हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप ने जितनी कवरेज किया है, जितना अपने माइक से कवरेज किया है, क्या उसने गरीबों की आवाज नहीं उठाई? क्या उसने भ्रष्टाचारियों पर आवाज नहीं उठाई? क्या उसने बिहार को बदलने के लिए एक कदम भी नहीं चला? क्या उसने कई गरीबों की मदद नहीं की? मैं मनीष कश्यप की जो बोली है, जो उनका प्रेजेंटेशन का तरीका है, उससे बिल्कुल भी इस्तेफाक नहीं रखता। मैं उसको गलत मानता हूं, पहले भी मानता था और मैं ये बार बार बोल चुका हूं। लेकिन आज मनीष कश्यप किसी भी विचारधारा के हों, तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि जब उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर कार्यवाही हो, FIR हो, तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती है, लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। लेकिन यही कार्यवाही अगर बिहार में होता है, क्योंकि बिहार में इस वक्त तेजस्वी और नीतीश की सरकार है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नीतीश जी सिर पे है तो मनीष कश्यप नीतीश जी को क्यों नहीं बोल रहे हैं? जानते क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि नीतीश कश्यप इसके पहले भी थे, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार इसके पहले भी थे, लेकिन मनीष कश्यप ने तमाम सवाल किए नीतीश कुमार से, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, आज तक वारंट नहीं जारी हुआ, आज तक कुर्की के लिए पुलिस उनके घर पर नहीं पहुंची थी, लेकिन तेजस्वी के सत्ता में आते ही इस तरीके से पुलिसिया दबाव पड़ना और मनीष कश्यप को एक अपराधी की तरह ट्रीट करना कहां तक जाया जाए? बिहार पुलिस ने बड़े आसानी से कह दिया कि मनीष कश्यप एक पेशेवर अपराधी है। तो भाई साहब, न्यायमूर्ति तो वैसे ही बस बैठे हुए हैं, आप डिसाइड करेंगे कि मनीष कश्यप पेशेवर अपराधी है कि नहीं है। वो सिर्फ आरोपी है, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी तब तक हु द हेल यू आर? आप लोकतंत्र को मजाक समाज के बैठे हैं, आप डिसाइड करेंगे कि कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल जाता है तो आप कहते हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगा, और बिहार में जब इस तरह की चीजें होती है तो आप कहते हैं कि पेशेवर अपराधी है, तब आपको न्यायालय की याद नहीं आती है? मतलब कि दो जगह पे दो मानसिकता, कहां से लाते हैं ऐसी मानसिकता? एक पत्रकार को आप कह देते हैं कि एक तरफा है, कभी अपने गिरेबान में अपने झांक के देखा है? एक बात समझ लीजिएगा, आज बिहार में बिहार पुलिस के द्वारा मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये हिंदुस्तान के, भारत के लोकतंत्र की गिरफ्तारी हुई है। और यूं ही नहीं, हिंदुस्तान का, भारत का जो प्रेडिक्शन है, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, भारत का आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो स्थान है वो 150वें नंबर पे ऐसे ही नहीं है। ऐसे ही लोगों की कृपा है, ऐसे ही नेताओं की कृपा है। तो भैया, तेजस्वी यादव हमारे विचारधारा वाले नेता हैं, तेजस्वी यादव हमारे जात वाले नेता हैं, तो जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है, हम सहित तमाम पत्रकार आज उनके साथ खड़े हैं और इस बात का घोर विरोध करते हैं।